हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NIMCET 2020 यानी जो MCA कोर्सेज होते हैं, MCA के एडमिशन होते हैं NITs में, जिसे NIMCET बोला जाता है, इसकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो रिलीज हो गई है। कैसे आपको चेक करना है वो मैं बताऊँगा। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप NIMCET 2020 के एडमिट कार्ड के बाद जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी सीट अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है NIMCET से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं कि आज आप NIMCET की सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट चेक कर रहे हैं, बात है अगले कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवाज होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, प्लेसमेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़, जहाँ पे NIMCET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले यहीं आती हैं। तो कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है NIMCET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे NIMCET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NIMCET 2020 और यहाँ पे लिखा है IAS पेपर, एक्जैक्टली यही चीज़ चाहिए था, ये चीज़ मिल चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, अगेन डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, जूम कर देता हूँ 150%। तो यहाँ पे देख सकते हैं NIMCET की जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो रिलीज़ हो चुका है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिलीज़ हो गया 26 नवंबर 2020 को, यहाँ पे लिखा है। पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, काउंसलिंग के लिए हमने वीडियो ही बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी किया था। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा का हूँ तो उड़ीसा पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, उड़ीसा के कहाँ के हैं तो मैं उड़ीसा के कटक का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ एग्जांपल के तौर पे MCA में, तो MCA पे क्लिक कर देंगे और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिख के कैश फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, NIMCET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं NIMCET काउंसलिंग जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं 26 नवंबर को। उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि देश के टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है, जिसमें NMAT PyGMAC यानी आप NMAT का स्कोर कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, IBSET, मानव रचना यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पर एडमिशन लें आज के आज, क्योंकि रीज़न है 100% प्लेसमेंट रेट, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे, कॉलेज के नज़दीक वाले बच्चे आएंगे, जो आसपास रहते हैं वही आएंगे, और कोई आएगा नहीं आएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, हमारे देश के हर स्टेट से बच्चे आते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, बातें करते हैं, रहते हैं, खेलते कूदते हैं, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ किसी न किसी एक में आप एडमिशन लेना चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली एडमिशन लेता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड का चॉइस मतलब फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए अलॉटमेंट के लिए हमने पहले ही वीडियो बनाया था, इसका अच्छा काफ़ी रिस्पांस मिला था, इसे आप देख सकते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो रिलीज़ हो गया 26 नवंबर को। यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट, ओके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टाइम में जाएंगे, यहाँ पे हमें सीट अलॉटमेंट चेक करनी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये लोड होने में थोड़ा सा समय ले सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। तो जो भी मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको NIMCET.in, और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा और अपना शेड्यूल आप चेक कर पाएंगे, अपना अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।